हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड डूइंग योर स्टडीज रेगुलरली। स्टूडेंट्स, लास्ट हमने कैलेंडर के बारे में पढ़ा था कि वो हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है और कैसे हमारी हेल्प करता है। आज हम उसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, विच इज डेज एंड मंथ्स ऑफ ए ईयर, यानी ईयर में कितने मंथ्स होते हैं और मंथ्स में कितने डेज होते हैं। जनवरी, जनवरी में 31 डेज होते हैं। फरवरी 28 और 29 डेज होते हैं। मार्च, मार्च में 31 डेज होते हैं। अप्रैल में 30 डेज होते हैं। मई, मई में कितने डेज होते हैं? 31 डेज। जून, जून में 30 डेज होते हैं। जुलाई, जुलाई में 31 डेज होते हैं। अगस्त, 31 डेज होते हैं। अगस्त में कितने डेज होते हैं? 31। सितंबर, 30 डेज होते हैं। अक्टूबर, अक्टूबर में 31 डेज होते हैं। और नवंबर में 30 डेज होते हैं। और दिसंबर, दिसंबर में 31 डेज होते हैं। वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं स्टूडेंट्स? 12। ये उनके नेम है, कौन कौन से हैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं मैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने पढ़ा उसका मैं दोबारा से रिवीजन कर रही हूं, तो आप ध्यान से देखिए। संडे इज टेकन एज द फर्स्ट डे ऑफ वीक। संडे वीक का कौन सा डे लिया गया है, कौन सा दिन माना गया है? फर्स्ट डे। सैटरडे इज टेकन एज द लास्ट डे ऑफ द वीक। और सैटरडे को डेज का कौन सा दिन माना गया है? लास्ट डे। वन वीक हैव 7 डेज। वन वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। वन ईयर, वन ईयर हैव 365 और 366 डेज, यानी वन ईयर में, वन ईयर 365 और 366 डेज की होती है। ए ईयर हैज 365 डेज। एक ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। ए लीप ईयर हैज 366 डेज। और एक लीप ईयर कितने डेज का होता है? 366 डेज। तो स्टूडेंट, आपको कैसे पता चलेगा कि ईयर कौन सा है और लीप ईयर कौन सा है? तो देखिए, लीप ईयर की डेफिनेशन क्या है। लीप ईयर की डेफिनेशन है ए ईयर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 इज ए लीप ईयर। जो ईयर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है। जैसे 2012, 2016 और अभी जो चल रहा है ईयर 2020। स्टूडेंट्स, आप एक बार इन ईयर्स को क्या करोगे, एक बार आप 4 से डिवाइड करके देखना। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो क्या है? ये लीप ईयर। अगर नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको आपका होमवर्क बताने जा रही हूँ। आपका होमवर्क है, आप मैथ्स की नोटबुक में टॉपिक का नाम लिखेंगे, डेज एंड मंथ्स ऑफ ए ईयर। फिर जैसे मैंने ये चार्ट बताया है, ये ऐसे ही आपको सेम चार्ट बनाना है, उसे मंथ्स और नंबर ऑफ डेज लिखने हैं, और उसके बाद में आपको करना है लीप ईयर की डेफिनेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।